नमस्कार। आई एम नीलेंद्र प्रसाद श्रीवास्तव, प्रिंसिपल फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट अलीगढ़। एफसीआई अलीगढ़ वॉज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1984 एंड इज एन ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट रनिंग अंडर मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, गवर्नमेंट ऑफ यूपी। एफसीआई अलीगढ़ हैड बीन अवार्डेड बेस्ट फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट फॉर ऑल राउंड परफॉर्मेंस बाय मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। Our students are placed in reputed hotels of country and in different parts of the world because of the focused delivery of academics and practical simulations. We award scholarship to students for pursuing these courses. We advise you to subscribe this channel for gaining first-hand information when we upload a module. Thank you and Namaskar. Jai. Okay, good morning everyone. Myself Chef Ashish Spencer from Food Craft Institute Aligarh, and I am the bakery chef trainer here. In today's session, we are going to be preparing a very interesting and mouth-watering recipe known as quiche. Q-U-I-C-H-E, quiche, which is derived from the German word kuchen, K-U-C-H-E-N. Halaki ye ek French preparation hai, but the word quiche has been taken from the German origin. और कीच के बारे में बात करें, इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ शॉर्ट क्रस्ट पेस्ट्री। शॉर्ट क्रस्ट पेस्ट्री एज वी नो इट इज अ क्रम्बली पेस्ट्री विच इज यूज फॉर मेकिंग बेस ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स। तो कीच जो है वो शॉर्ट क्रस्ट पेस्ट्री का ही एक डेरिवेटिव है, जिसमें कि हम बेस शॉर्ट क्रस्ट पेस्ट्री का बनाते हैं एंड द टॉपिंग इज सेवरी, कैन बी मेड विद वेराइटी ऑफ इन्ग्रीडियंट्स। इन टूडेज सेशन वी आर गोइंग टू बी प्रिपेयरिंग अ वेज प्रिपरेशन, जिसमें कि हम सारी चीज़ें वेज इस्तेमाल करने जा रहे हैं। कीश अगेन, जैसे प्रोडक्ट के बारे में आपको बताया, इट हैज गॉट टू कंपोनेंट्स। वन इज योर बेस ऑफ शॉर्ट क्रस्ट एंड द टॉपिंग ऑफ एनी काइंड ऑफ टॉपिंग मेड फ्रॉम फ्रेशली टेकन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स, मे बी इफ यू आर मेकिंग स्वीट डेजर्ट और मे बी एनीथिंग लाइक दैट। तो ये दोनों ही वेराइटीज कीश के अंदर बनाई जाती हैं, स्वीट वेराइटी भी एंड सेवरी वेराइटी। So let's see, if you are discussing about quiche, let's look at the ingredients that we are going to use today. Quiche banane ke liye humko, we are going to take refined flour, that is around 100 grams we have taken, butter 50 grams and baking powder. These three components are used for making the base, yani ki short crust banane ke liye hum tino ingredients ka istemal karenge. For the topping, we have got a variety of ingredients here. We are going to make bechamel sauce. Bechamel sauce, jo white sauce, basic sauce hoti hai, usko banane ke liye we are going to be requiring milk, butter and some flour that we are going to take. Usko combine kara jata hai on pan and then white sauce is made. व्हाइट सॉस का बेस हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं कीश की जो फिलिंग है, वेजिटेबल फिलिंग है, उसको कंबाइन करने के लिए, उसको कोट करने के लिए। सो वी आर टेकिंग फ्रेशली कट वेजिटेबल, जिसमें कि वी आर टेकिंग मशरूम्स, डाइस मशरूम्स एज यू कैन सी, देन कट एंड चॉप्ड बेल पेपर्स ऑफ टू वेराइटीज, येलो एंड रेड। दे आर बेसिकली कट इन टू फैंसी शेप्स, ट्राइंगल एंड रेक्टेंगल्स। And the third thing is your chopped garlic, जिसको कि हम सौते करेंगे for giving a nice flavor. And the last component is grated cheese. इस चीज़ को हम जो filling बनेगी quiche की उसके अंदर भी डालेंगे, plus we are going to top the quiche with the grated cheese. So these are the set of ingredients that we are going to use. Okay, so let's start with the first component, that is making the base of quiche. कीश बनाने के लिए जो बेस या फिर हम मोल्ड इस्तेमाल करने, दैट इज अ मीडियम साइज स्टार्ट मोल्ड। एज यू कैन सी, यू हैव टू ग्रीज इट एंड यूज इट। इसको हम बाद में इस्तेमाल करेंगे, इससे पहले हम शॉर्ट क्रस्ट का जो मिक्सचर है, यानी बेस का जो मिक्सचर है, उसको तैयार करेंगे। वी आर गोइंग टू बी टेकिंग द बटर फर्स्ट। बटर जो हमने यहाँ पर चॉप करा हुआ है, कट करा हुआ है, इसका हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं। यू कैन, दिस इज मेड बाय रबिंग मेथड। जो शॉर्ट क्रस्ट है, वैसे रेसिपी हमने पहले भी शॉर्ट क्रस्ट की करी है, देखी है। सो ऑब्वियसली वी नो दैट द मेथड अप्लाइड फॉर मेकिंग शॉर्ट क्रस्ट इज रबिंग मेथड्स, बट बिकॉज वी आर मेकिंग कीश, वंस अगेन वी आर गोइंग टू हैव अ लुक एट द मेकिंग मेथड ऑफ शॉर्ट क्रस्ट। ये जो बटर है, इसको हमने छोटा अभी डाइस करा हुआ है, इसको और भी छोटा डाइस करना है, बट वी आर गोइंग टू डाइस इट विद द हेल्प ऑफ स्क्रेपर एंड अलॉन्ग विद फ्लावर। तो रिफाइंड फ्लावर हमारे पास है, हम रिफाइंड फ्लावर यहाँ पर इसमें मिक्स करेंगे, ऐड करेंगे, जितना भी आपके पास है। ऑब्वियसली जैसे मैंने बताया था, 50 ग्राम्स ऑफ बटर एंड 100 ग्राम्स ऑफ रिफाइंड फ्लावर वी आर यूजिंग टुडे। सो
रबिंग करने से पहले जो बटर हमारे पास है उसको थोड़ा थोड़ा सा हम और छोटा कर लेंगे और छोटे डाइसेस में काट लेंगे, बिकॉज रबिंग करने के लिए इतने बड़ा क्यूब बटर का इस्तेमाल नहीं किया जाता। ओके, एज यू सी द बटर हैज बीन रिड्यूस्ड, इसको छोटे छोटे पीसेस में ये कट हो गया है अलॉन्ग विद द फ्लावर। ये जो कटिंग एक्शन है इससे ही हमारी रबिंग का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। यू कैन सी बटर छोटे पीसेस में कट हो गया। नाउ इट इज आइडियल साइज फॉर स्टार्टिंग विद द रबिंग प्रोसेस। तो अब हम रबिंग प्रोसेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो वी आर गोइंग टू कीप दिस स्क्रेपर एट वन साइड एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट यूजिंग आवर हैंड्स। हाथ के बीच में इसको इस तरीके से हल्के हल्के आपको रब करना है, ठीक है। दिस इज नोन एज रबिंग मेथड। इस प्रोसेस के अंदर जितना भी ग्लूटेन है फाइन फ्लावर के अंदर वो शॉर्टन हो जाता है। तो दिस प्रोसेस एंश्योर्स शॉर्टनिंग ऑफ ग्लूटेन स्ट्रैंड्स, और इसी वजह से इस प्रोडक्ट के अंदर यानी शॉर्ट क्रस्ट के अंदर खस्तापन यानी क्रम्बलीनेस आती है, जस्ट बिकॉज वी आर डूइंग द रबिंग प्रोसेस, वी आर शॉर्टनिंग द ग्लूटेन स्ट्रैंड्स। सो इस तरीके से विद पेशेंस आराम आराम से इसको आपने रब करना है। हाथ की जो गर्मी है उसी से धीरे धीरे बटर मेल्ट होके फ्लावर के साथ रब होता चला जाएगा एंड यू विल रीच अप टू द ब्रेड क्रम्ब। सो एज यू कैन सी वी आर डन विद द रबिंग प्रोसेस। आपने देखा किस तरीके से एक बढ़िया ब्रेड क्रम्ब कंसिस्टेंसी हमको इसमें मिल जा रही है। बटर प्लस फ्लावर मिक्सचर टर्न इनटू ब्रेड क्रम्ब्स, यू कैन सी दिस इज द ब्रेड क्रम्ब कंसिस्टेंसी। यही ही हमको चाहिए फॉर मेकिंग द बेस ऑफ द शॉर्ट क्रस्ट। Now we are going to use a little bit of baking powder, pinch of baking powder, अगर हमको कोई मीठा प्रोडक्ट बनाना है शॉर्ट क्रस्ट का या कोई डेजर्ट बनानी है तो यू कैन ऑल्सो रब इन सम क्वान्टिटी ऑफ कैस्टर शुगर, 10 से 15 ग्राम तक कैस्टर शुगर आप रब कर सकते हैं एंड यू कैन मेक द बेस स्वीट इन नेचर। अभी हम न्यूट्रल बेस बना रहे हैं जिसमें कि कोई फ्लेवर नहीं है बिकॉज वी आर मेकिंग अ सेवरी प्रोडक्ट। नाउ वी आर गोइंग टू मेक अ डो, सॉफ्ट डो बनाएंगे। उसके लिए हमको थोड़ा नॉर्मल पानी चाहिए जिसको कि हमने छींटे मार करके इसको कंबाइन करना। नाउ वी आर नॉट गोइंग टू नीड दिस डो, वी आर गोइंग टू बाइंड द डो। इसका हमको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि शॉर्ट क्रस्ट के केस में केवल बाइंडिंग करी जाती है, नीडिंग नहीं करी जाती है। सो जितना भी हमारे पास ये मिक्सचर है इसको केवल हाथ से बाइंड करना होता है। सो यू आर गोइंग टू गैदर, एक तरफ इसको इकट्ठा करना है। थोड़ा सा पेशेंस टेकिंग प्रोसेस है, शुरुआत में आपको लगेगा लिटिल बिट ऑफ योर पेशेंस इज बीइंग टेस्टेड, बट जब आप इसको ढंग से कर लेंगे तो इट इज गोइंग टू बी प्रॉमिसिंग एट द सेम टाइम। इस चीज का ध्यान रखना है, इसको नीड नहीं करना है, अपने हाथ में ही उठा करके इसको कंबाइन करना है यानी कि बाइंड करना है। सो एज यू कैन सी दैट वी हैव बाइंडेड द डो, ये डो को अच्छे से हमने पानी की छींटे मार के बाइंड कर लिया है एंड नाउ वी आर गोइंग टू डू द मोल्डिंग प्रोसेस। ये जो टार्ट मोल्ड है हम लोगों ने ग्रीस कर लिया है विद मार्जरीन, सॉलिड फैट से इसको ग्रीस करा जाता है ताकि जो मान लीजिए अगर आप ऑयल से करते हैं तो ऑयल विल फ्लो डाउन एंड विल नॉट गिव यू अ प्रॉपर ग्रीसिंग इन द मोल्ड। तो जब बेक होकर के आएगा तो वहाँ पर चिपक जाएगा तो टूट जाएगा। सो दिस इज अ फ्रेजाइल प्रोडक्ट, ध्यान रखना है इसको कहीं से भी चिपके ना आफ्टर बेकिंग। सो लेट्स रोल आउट द डो। ये डो नॉर्मली वैसे हम 10 से 15 मिनट रेस्ट करते हैं इन द रेफ्रिजरेटर बिफोर वी स्टार्ट मेकिंग द डो। So I use a little bit of flour dusting के लिए और इसको हम थोड़ा सा roll out करेंगे, आपको maybe half inch of thickness तक। इसको इसमें line करने के लिए हमको एक cutter चाहिए होगा। जब भी cutter का आप इस्तेमाल करें ध्यान रखिए कि इस mold से जिस भी mold में आप लगा रहे हैं उससे थोड़ा बड़े size का होना चाहिए। Now we are going to actually roll out our dough. Ensure even rolling of the dough. किधर से मोटा किधर से पतला ऐसा ना हो, आप पहले इस चीज का ध्यान रखिएगा एंड
roll it up to 1 inch of thickness. इतना आपको roll करना है. Once you get half inch of thickness, जो कि आप measure नहीं करेंगे obviously, but this requires practice and experience at the same time. Now we are going to take a round cutter and we are going to cut the dough as required. We'll remove the excess portion और इस mold के अंदर हमने इसको इस तरीके से प्लेस करना है. ये जो एक्सेस आपका पोर्शन है, यू आर गोइंग टू चॉप इट ऑफ. टू गेट अ क्लीन एंड वेल लाइंड मोल्ड ऑफ टार्ट. So you can see, okay. So as you can see, we have lined the mold with short crust. इसको अब हम बेकिंग के लिए डालने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस जिसको डॉकिंग बोलते हैं वो करने जा रहे हैं. We are going to dock और prick the base as well as the sides. जो sides हैं इसको भी आपने fork से prick करना है. And ये इसलिए करते हैं ताकि जब ये बेकिंग के लिए जाए तो एक्सेस एयर जो जनरेट होती है या एक्सेस गैस जो जनरेट होती है दैट इज एस्केप्ड इजीली आउट ऑफ दिस प्रोडक्ट. और ऐसा ना हो कि ये प्रोडक्ट जो है या फिर जो हमको खाली डिप्रेशन चाहिए वो फूल जाए और इसके अंदर हम फिलिंग ना डाल पाए. सो डॉकिंग इज एन इम्पॉर्टेंट स्टेप और प्रोसेस विच इज डन बिफोर बेकिंग इन अ शॉर्ट क्रस्ट पेस्ट्री. और इसको ब्लाइंड बेकिंग यानी कि हाफ डन करने के लिए हम ओवन में डालेंगे एट 180 डिग्री सेल्सियस जब तक ये हाफ डन ना हो जाए, बहुत हल्का सा फर्म और स्टेबल हो जाए ओवन के अंदर. उसके बाद इसको बाहर निकाल के फिर इसकी आगे फिलिंग का प्रोसेस हम देखेंगे. सो आफ्टर मेकिंग द बेस कॉम्पोनेंट वी आर गोइंग टू वर्क ऑन द टॉप कॉम्पोनेंट यानी कि फिलिंग बनाने का काम हम आगे करेंगे, जिसके लिए हमको सबसे पहले बेशमेल सॉस जो कि एक वाइट सॉस है, बेसिक फ्रेंच सॉस है, उसका बेस चाहिए. तो उसके लिए हमको करीब हाफ लीटर मिल्क चाहिए जो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पर पैन में लिया हुआ है, नॉनस्टिक पैन में. एंड वी आर गोइंग टू फ्लेवर इट बाय यूजिंग अनियन, बेलीफ एंड क्लोव्स. सो बेसिकली अनियन क्लाउथ बनता है जिसमें कि हम अनियन को कवर करते हैं विद अ पीस ऑफ बेलीफ एंड वी स्टड इट विद द हेल्प ऑफ क्लोव्स. लेकिन हम इसको नॉर्मली वैसे भी कर सकते हैं इफ द इक्विपमेंट इज प्रॉपर विद अस. तो हम दो क्लोव्स, एक अनियन और एक बेलीफ को साथ में मिल के साथ में वी आर गोइंग टू बॉइल सो दैट अ नाइस फ्लेवर ऑफ अनियन प्लस बेलीव एंड क्लोव गेट्स ट्रांसफर टू द मिल्क. और जब ये बॉयल हो जाएगा, फर्स्ट बॉयल आने के बाद इसको सिमर डाउन करके बंद कर देंगे एंड देन वी आर गोइंग टू स्ट्रेन द मिल्क फॉर द बेस ऑफ बेशमेल. और आगे उसको थिकन करने के लिए हमको रू बनाना है, जिसके लिए वी आर गोइंग टू यूज बटर एंड फ्लावर. ओके, सो जैसे कि आपने भी देखा था, वी हैव बॉइल्ड द मिल्क अलॉन्ग विद अनियन एंड बेलीव एंड क्लोव. सो हियर वी गेट फ्लेवर्ड मिल्क जिसको कि हमने बॉइल करके अच्छे से छान लिया है सो दैट नो रिमेन्स ऑफ द फ्लेवर इज देयर. केवल फ्लेवर्ड मिल्क है हमारे पास. इसी के साथ साथ आधे लीटर दूध में हम करीब बेस बनाने के लिए वी आर गोइंग टू टेक 45 ग्राम्स ऑफ बटर. वी आर गोइंग टू प्रिपेयर रू फर्स्ट. तो रू हम लोगों ने पहले बनाना है, उसके लिए करीब हमको 45 ग्राम्स बटर चाहिए और 45 ग्राम्स फ्लावर चाहिए. सो दैट इज जनरली द प्रपोर्शन जो कि हम यूज करते हैं. सो वी आर गोइंग टू मेल्ट, वी आर मेकिंग वाइट रू फॉर वाइट सॉस. सो लोअर डाउन द टेम्परेचर ताकि बटर आपका जले ना. सो यहां पर हमने बटर मेल्ट कर लिया है. बटर मेल्ट करना है केवल, ध्यान रखिएगा, यू डोंट हैव टू ब्राउन इट. व्हाइट रू बनाने के लिए हम
45 grams of flour along with equal quantity of butter. So we will prepare this white roux और इसके बाद हम लोगों ने बेशमेल का बेस बनाना है जिसके लिए हमको फ्लेवर्ड मिल्क अगेन obviously appeared on top. तो हमको ये जो रू बना है ये इसके अंदर नहीं डालना बल्कि मिल्क we have to add slowly make a paste and then we make the base. तो दूध हमको moderation में डालना है थोड़ा थोड़ा डालेंगे और इसका पेस्ट बनाएंगे. As you can see, we are just thickening this bechamel base. इसको केवल थिक करना है, थोड़ा सा थिक करना है और इसको फिर हम उतार लेंगे. That is one very quick and fast process. So ये base already कुछ थिक हो गया. Okay, so we have seen already that how to prepare bechamel base. तो हमने prepare करके रख लिया है, यहाँ पर छान के रख लिया. Now we are going to start with the making of filling or topping of the quiche. तो उसके लिए जैसे मैंने पहले भी आपको दिखाया था ingredients हमारे पास हैं. We are going to start off थोड़ा सा बटर में सौते करेंगे सारे ingredients को to bring out more of an improved flavor of the products. A little bit of butter भी टेक और इसको मेल्ट करना है. सबसे पहले फ्लेवर के लिए वी आर गोइंग टू एड सम चॉप्ड फाइनली चॉप्ड गार्लिक. सो एज यू कैन सी जैसे ही बटर और गार्लिक कंबाइन होता है पैन में बहुत अच्छा अरोमा बहुत अच्छा फ्लेवर आना शुरू हो जाता है. एज वी ऑब्वियसली नो यहीं पर हम कुछ हर्ब्स हैं हमारे पास जैसे कि रोजमेरी एंड थाइम. वी आर गोइंग टू ऐड सम हर्ब्स. ओके सो वी आर टेकिंग सम हर्ब्स थोड़ी सी रोजमेरी and some chili flakes. So the flavors combine of all these dry herbs along with garlic and gives you a very nice aroma. बहुत अच्छा एक फ्लेवर बहुत अच्छा aroma आपको मिलता है. Next we add the mushrooms. Mushrooms थोड़ा सा पहले इसलिए डाले हैं because they are going to excrete some water. पानी थोड़ा सा छोड़ना है इन लोगों ने. So that's why a bit amount of cooking is required for mushrooms. Okay, so as you can see, mushrooms excess water is properly evaporated. अब हम इसके आगे इसमें bell peppers डाल रहे हैं. So nice flavor and color. We add some red and yellow bell peppers into it. And you can see a very nice color. एक बहुत अच्छा आपको combination colors का मिल रहा है. Plus flavor also you get. Okay, so as you see, vegetables हमारी बहुत अच्छे से सौते हो गई, soft and supple हो गई हैं, and they have released the flavors and oils in the mixture. और हम उसको इसके अंदर जो बेशमेल का हमने base बनाया था, उसको हम add करने जा रहे हैं. एड बेशमेल बेस इतना जितना कि हम वेजिटेबल्स को कोट करते हैं.
So you can see na rich, na creamy and delicious mixture we are getting here as the filling and topping of quiche. आपके हाथ में किसी टाइम थोड़ा सा ग्रेटेड चीज डाल देंगे सो दैट मिक्सचर के अंदर भी थोड़ी चीजिनेस हमको मिल जाए. एक्चुअली वी आर टुडे मेकिंग अ हार्टी हैवी रेसिपी सो इट इज नॉट मच ऑन द हेल्दियर साइड बट इट विल गिव यू अ नाइस एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर. सो जो ये मिक्सचर है ये ऑलमोस्ट डन है. थोड़ा सा टॉपिंग के लिए हम यहाँ पर चाहे तो आप इसमें पिज्जा की सीजनिंग जो आती है इटालियन सीजनिंग थोड़ी सी ऐड कर सकते हैं. जनरस सर्विंग ऑफ पिज्जा सीजनिंग. सो बहुत सारे फ्लेवर हमने इसमें कंबाइन कर दिए एंड आई होप दिस इज गोइंग टू बी रियली प्रॉमिसिंग. एज यू कैन सी यहाँ पर हम लोगों ने अपनी टॉपिंग या फिलिंग तैयार कर ली है. इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है ब्लाइंड बेक जो टार्ट मोड हमने डाला था ओवन में बेक होने के लिए वो रेडी है फॉर टॉपिंग द क्विश एंड टॉप अप करने के लिए थोड़ा सा ग्रेटेड चीज हमारे पास रेडी है. नाउ वी आर गोइंग टू एड टॉपिंग जो हमने बनाई है इसको हम ऊपर टॉप करेंगे. So we have topped up the mixture over it और साथ ही साथ थोड़ा सा grated cheese ऊपर से और हम इसमें add कर रहे हैं so that when you put in the oven it gets properly gratinated. एक अच्छा golden brown color आपको इसके ऊपर मिलेगा oven में डालने के बाद. So चाहें तो बहुत हल्का सा स्प्रिंकलिंग ऑरिगैनो या किसी की आप इस पे कर सकते हैं टू गिव द फाइनल फिनिश. दैट्स इट. सो वी आर गोइंग टू पुट दिस इन द ओवन फॉर बेकिंग और जब इसको फाइनली निकालेंगे पूरा डन हो जाएगा. इसके बाद उसको निकाल के एंड देन वी आर गोइंग टू कट इट. Okay, so we have finally reached up to the making of the final product, wherein जहाँ से हमने baking से इसको निकाल लिया है quiche को, this is the mold and we have just turned it around and you can see a nice beautiful golden brown color on top. Cheese has been gratinated और base भी इसका soft and supple है. So this is the final preparation quiche. We are going to cut it into half maybe or maybe into four portions depending upon the time of the day that you are serving. So that is the final preparation. Thank you so much. अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि हमारी अपडेटेड वीडियोस आपको मिलती रहें.